स्वागत है दोस्तों आपको अभय श्रीवास्तव पीएचपी चैनल पे। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमारा जो सीरीज चल रहा है वो पीएचपी क्रॉड का चल रहा है, क्रॉड एप्लीकेशन का चल रहा है। क्रॉड एप्लीकेशन में हमने क्रिएट एंड रीड देख लिया था और अपडेट पे वर्किंग कर रहे थे। तो दोस्तों अब मैं अपने जो अपडेट वाला प्रोसेस उसको आगे बढ़ाता हूँ। उसके आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरा जैम कंट्रोल पैनल स्टार्ट है या नहीं। जैम कंट्रोल पैनल में आया, अपाचे एंड MySQL मेरा स्टार्ट है। ओके देन क्लोज इट। अब हम चलते हैं, हमें सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद ब्राउज़र में मैं सबसे पहले अपना डाटाबेस ओपन कर लेता हूँ क्रॉड का। तो उसके लिए टाइप करेंगे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन और उसी के नेक्स्ट टैब में मैं अपना क्रॉड एप्लीकेशन का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए भी हमें लोकल होस्ट टैग फर्स्ट टाइप करना होगा, उसके बाद PHP क्रॉड। ये दोनों हमने स्टार्ट कर लिया। ओके नाउ अब हम जो नेक्स्ट वर्किंग करेंगे, ये मेरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वर्किंग है वो है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर भी हमने ओपन कर लिया है। ओके दोस्तों तो अब मैं आगे की वर्किंग करता हूँ और आपको बताता हूँ कि एडिट डाटा डॉट PHP मतलब अब डाटा को आप अपडेट कैसे कीजिएगा। फॉर्म पे डाटा वगैरह फेच हो गया था पिछले वीडियो में। दोस्तों आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलेगी वेब डेवलपमेंट सीखने में। और क्रॉड एप्लीकेशन सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी आप चाहे .NET सीखिए या PHP सीखिए, कोई भी लैंग्वेज सीखिए, हर एक लैंग्वेज में अगर आपने क्रॉड एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया है तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद आपका लॉजिक होता है, आप लॉजिक क्रिएट कीजिए, आपका प्रोजेक्ट बनते जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब हम चलते हैं, हमारा डाटा तो इंसर्ट हो रहा था और ये रहा हमारा डाटाबेस क्रॉड PHP। क्रॉड PHP के अंदर एक टेबल है कस्टमर अंडर इसको TBL के नाम से। ये रहा, ये टेबल हमने ओपन कर लिया। ये हमारा एप्लीकेशन है। व्यू डाटा में जाते हैं। व्यू डाटा में मैं सपोज़ मैंने ये राजेश को एडिट किया। अब राजेश को एडिट किया, राजेश का डाटा उठ के आ गया। ओके अब मुझे अपडेट कस्टमर के क्लिक पे काम करना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट जाता हूँ। पेज का नाम क्या है? edit data.php पे आ गए। इस पेज पे आने के बाद अब जो मेरा फॉर्म है उस फॉर्म में हम चलते हैं। ओके फॉर्म में जाने के बाद ये हमारा फॉर्म है। एक्शन में process.php है। ओके process.php और इस सेट एड कस्टमर यानी बटन का नाम, ठीक है। तो अब एडिट कस्टमर मैं इस पे आता हूँ। मेरा जो है बटन का नाम अब यहाँ होगा अपडेट कस्टमर नेम हो जाएगा अपडेट कस्टमर। ठीक है आईडी भी अपडेट कस्टमर नेम एंड आईडी मैंने डाल दिया, सेव किया। अब मुझे इसकी लॉजिक लिखनी है। तो इसकी लॉजिक लिखने के लिए सबसे पहले बटन का नेम एट्रीब्यूट को कॉपी करेंगे कि यूज़र जब इसमें चेंजेज करके जैसे इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्लिक करते ही ये फॉर्म कहाँ जाएगा? एक्शन में जो पेज का नाम डिफाइन है। एक्शन एट्रीब्यूट में हमारा पेज का नाम जो डिफाइन है वो process.php में। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं process.php में। यहाँ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेथड पोस्ट। तो मेथड कौन सा है? मेथड पोस्ट ही है। ओके process.php में ये जो है इसे मैं कमेंट करके एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी लॉजिक लिखिए तो उस लॉजिक को जरूर डिफाइन कमेंट में कीजिए। insert data query ये मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि ये जो कोड है ये insert data query के लिए है। ओके अब इसी के जस्ट नीचे मुझे एक और क्वेरी बनाना है अपडेट डाटा क्वेरी। तो फिर से यहाँ मैं कमेंट करूँगा अपडेट
कस्टमर CSTMR कस्टमर डाटा क्वेरी। ओके नाउ अब मैं यहाँ इसके जस्ट नीचे अपडेट चलाऊंगा, तो उसके लिए सबसे पहले एक फंक्शन चेक करूंगा इफ इज सेट, मतलब कि अगर इस सेट होता है फॉर्म की वैल्यू अगर सेट हो रही है तो बटन का नाम, बटन का नाम क्या है अपडेट कस्टमर, बटन का नेम एट्रीब्यूट डालें कर्ली ब्रेसेस ओपन के सॉरी इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, फिर चेक करना है मेरे को इफ ओके वहां से तो डाटा आएगा ही तो ब्लैंक तो हो नहीं सकता, फिर भी ब्लैंक तो चेक करना पड़ेगा इनकेस किसी ने ब्लैंक डाल दिया तो मुझे चेक करना पड़ेगा। उसके लिए इफ उसके बाद फॉर्म का हर एक एट्रीब्यूट को लेना होगा, नेम एट्रीब्यूट हिडन है उसे तो यूजर चेंज नहीं कर सकता है, यूजर के हाथ में हिडन फील्ड तो यूजर चेंज नहीं कर सकता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है कस्टमर नेम, कस्टमर नेम को कंट्रोल वी इफ कस्टमर नेम इक्वल इक्वल ब्लैंक ओके एंड नेक्स्ट जो है टेक्स्ट बॉक्स का नेम एट्रीब्यूट कस्टमर मोबाइल, इसे कॉपी किया डॉलर के साथ यहाँ पेस्ट किया इक्वल इक्वल ब्लैंक, उसके बाद एंड नेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो है कस्टमर स्टेट, कस्टमर स्टेट को कॉपी किया प्रोसेस डॉट पीएचपी पे गया डॉलर के साथ इसे पेस्ट किया इक्वल इक्वल ब्लैंक। अब अगर ये सारा ब्लैंक मिलता है तो इको करा दूं, अभी इजी वे में करना है हमें तो आपको सिंपली सिंपल तरीके से इको मैं यहाँ करा दिया और उसके बाद मैं कराया अलर्ट सॉरी पहले स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट अलर्ट में ऑल FIELD फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड ये डाल दिया, उसके बाद इको अगेन स्क्रिप्ट टैग होगा सॉरी और विंडो डॉट ओपन में सॉरी यहाँ मैंने स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया तो इसके लास्ट में यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज भी होगा, वो मैंने नहीं किया है SCRIPT स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया विंडो डॉट ओपन में, जैसा कि मैंने पहले था फर्स्ट वाले में पैरामीटर, पैरामीटर मेरा क्या है पैरामीटर जो मेरा है वो है एडिट डाटा डॉट पी एच पी, एडिट अंडर स्कोर डाटा डॉट पी एच पी कॉमा अंडर स्कोर सेल्फ। यहाँ पे मैं अभी मुझे यहाँ पे क्या करना होगा आपको मैं बता दूँ कि जब अगर सब कुछ ब्लैंक होगा तो वापस इसी पेज पे आना है, ठीक है तो इसी पेज पे आना है तो पेज का नाम तो हम लिख लिए लेकिन हमें क्वेरी स्ट्रिंग भी बनाना होगा, तभी क्या होगा कि ये डाटा फेच करके आएगा ना, अगर क्वेरी स्ट्रिंग नहीं भेजेंगे तो डाटा फेच नहीं होगा और यहाँ एरर आएगा अनडिफाइंड इंडेक्स का, ठीक है तो इसीलिए मुझे ये क्वेरी स्ट्रिंग भी बनाना पड़ेगा दोस्तों याद रखिएगा। तो क्वेरी स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो भी देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग इस वीडियो में आपको मिल रहा है, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद जो वेरिएबल है, वेरिएबल है एडिट अंडर स्कोर आईडी हो गया, उसके बाद यहाँ प्लस का सिंबल देना है ओके हमें यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि पीएचपी में काम कर रहे हैं, तो एक आएगा कॉनकेटेनेट आता है, कॉनकेटेनेट से पहले एक डबल कोट उसके बाद कॉनकेटेनेट फिर कॉनकेटेनेट होगा और डबल कोट और इसके कॉनकेटेनेशन के बीच में
डॉलर इस फॉर्म से जो हिडन वाले फील्ड में आईडी है, हिडन वाले फील्ड में जो आईडी मेरा क्या है, उसका नेम एट्रीब्यूट कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और टर्मिनेट। अब चेक करें, सेव अल्ट टैब। अब मैं चेक कर रहा हूँ, उससे पहले एक बार इसे रिफ्रेश किया। अब ये सारे फील्ड को मैं एक बार ब्लैंक करके भेजता हूँ, करता हूँ कि ये वापस इसी पेज पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अपडेट, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ओके, ये वापस इस पेज पे नहीं आया, क्यों नहीं आया चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले अगर मैं ये क्वेरी स्ट्रिंग हटा दूं, कंट्रोल एक्स कॉमा सेव, उसके बाद रिफ्रेश बैक, और इसे ब्लैंक किया, ब्लैंक किया, इसे भी ब्लैंक किया। अपडेट कस्टमर, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो कोड इसके आगे नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है? यहाँ स्क्रिप्ट टैग क्लोज नहीं है। सबसे पहले तो कंट्रोल जेड और टर्मिनेट, यहाँ स्क्रिप्ट टैग क्लोज नहीं है। एस सी आर आई पी टी स्क्रिप्ट, एस सी आर आई पी टी स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया, कंट्रोल एस टैब रिफ्रेश, सॉरी यहाँ रिफ्रेश करना था मुझे, कंटिन्यू, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ओके, अभी भी नहीं आया। प्रॉब्लम अभी भी है, इको स्क्रिप्ट। क्वेरी स्ट्रिंग बनाना है मुझे, क्वेरी सही हुआ। गलती क्या थी कि ये जो स्टार्ट हुआ सिंगल कोट और मैं यहीं पे क्लोज कर दिया, तो इसके आगे जो स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का कोड रीड नहीं होगा, क्योंकि कॉन्कोटिनेट हो रहा है। तो हमें ये बंद यहाँ नहीं करना होगा, ये डायरेक्ट जहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग खत्म हो रहा है वहाँ बंद होगा यहाँ पे। अब इसे चेक करता हूँ, तो उसको चेक करने के लिए एक बार रिफ्रेश बैक, बैक डिलीट, उसके बाद अपडेट कस्टमर, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, एंड वापस इसी पेज पे आए। तो देखिए, बट क्या हुआ, एक गलती, यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग तो बन रहा बट यहाँ इक्वल्स टू होना चाहिए। अब देखिए डाटा फेच हो गया, तो मैंने इक्वल्स टू नहीं दिया, वो गलती की है। ये मैं इक्वल्स टू डाल दिया, कंट्रोल एस। ओके, अब फिर से चलते हैं, डिलीट एंड देन अपडेट कस्टमर। ओके, देखिए वापस आ गए इसी पेज पे, आईडी के साथ भी और डाटा भी फेच हो रहा है। ठीक है, तो अब कोई भी यूजर जो है डायरेक्ट ब्लैंक फील्ड को नहीं भेज सकता है, तो ये वैलिडेशन यहाँ लग गया। नेक्स्ट, अब चलते हैं, अगर सब कुछ फिल है, अपडेटेड आ रहा है, तो मुझे अब यहाँ अपडेट कराना होगा। उसके लिए मुझे करना क्या है, एल्स ब्लॉक, ये तो इफ ब्लॉक चेक हो गया। नेक्स्ट चलेगा एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक में आएंगे, एक वेरिएबल लेंगे डॉलर यूपी कस्टमर, किसी भी नाम से वेरिएबल आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही लें।
उसके बाद अब यहाँ अपडेट क्वेरी चलाएंगे, UPDAT अपडेट टेबल का नाम अपडेट कस्टमर TBL अपडेट कस्टमर TBL, उसके बाद सेट क्या अपडेट करना है, कंट्रोल सी किए, ये हो गया सेट किया। उसके बाद इक्वल्स टू यहाँ पे वहां से जो नाम आ रहा है ये कस्टमर नेम को कस्टमर नेम में अपडेट करना है। उसके बाद कस्टमर मोबाइल में कस्टमर मोबाइल, उसके बाद कस्टमर स्टेट में कस्टमर स्टेट, कंट्रोल वी सॉरी कंट्रोल वी। उसके बाद अगर मैं इस क्वेरी को डायरेक्ट अभी चला दूं, ये ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेगा कि जो अभी आ रहा है ना ये एडिट आईडी टू में जो डाटा है वो पूरे टेबल में अपडेट वही कर देगा, चेंज नहीं होगा, केवल टू वाले रो में नहीं होगा, सारे रो में वो इसी को डाल देगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, पहले कंडीशन हमें अपडेट तो करना है और ये सब सेट भी करना है, लेकिन कहाँ करना है, तो वेयर कस्टमर आईडी, वेयर कस्टमर आईडी कॉलम का नाम कस्टमर आईडी, ओके, सो नाउ वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू फॉर्म से जो कस्टमर आईडी आ रहा है, फॉर्म से जो कस्टमर आईडी आ रहा है उसे यहां मैंने डाल दिया, फॉर्म से जो कस्टमर आईडी आया वो मैंने यहां पर डाल दिया, ओके। अब मुझे क्या करना होगा, इस क्वेरी को रन कराना है, उसके लिए डॉलर रन वेरिएबल बनाया, इसमें MySQL i_query फंक्शन में दो पैरामीटर होता है, पहला पैरामीटर में कनेक्शन वेरिएबल, दूसरे पैरामीटर में आपका क्वेरी वेरिएबल, क्वेरी जहाँ जिस वेरिएबल में आपका क्वेरी स्टोर है, तो ये वेरिएबल को यहाँ पर डाला, यहाँ डॉलर किया और उसके बाद टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करने के बाद आपको ये मेरा क्वेरी, अब कंडीशन मुझे चेक करना है कि इफ़ अगर डॉलर रन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जब भी कोड कीजिएगा ये ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो क्या हो आपको पता नहीं चलेगा मेरा क्वेरी रन कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर कर गया तो आगे तो जाएगा ही, नहीं किया तो MySQL का एरर भी तो आना चाहिए, तो हर एक कोड में ये आप मस्ट लगा लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपको अगर क्वेरी में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो एरर दिखाएगा। तो उसके लिए लिखना क्या है, इफ नॉट, ये जो मतलब MySQL क्वेरी चलेगा ये वेरिएबल में स्टोर करेगा, ये वेरिएबल अगर कोई एरर आएगा तो एरर भी इसी वेरिएबल में आएगा और वो व्यू करेगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगर नहीं होता क्वेरी मेरा नहीं चलता है तो उसके लिए printf फंक्शन यूज करना है, सिंगल कोट या डबल कोट में लिखना है एरर्स, एरर्स स्पेस, उसके बाद सिंगल कोट के बाहर या डबल कोट के बाहर %s \n कॉमा MySQL i_ एरर फंक्शन है ये, इसमें कनेक्शन वेरिएबल जाएगा आपका जो डाटाबेस का कनेक्शन है। उसके बाद एग्जिट फंक्शन, ओके, एग्जिट फंक्शन को सेव किया। अब उसके बाद आता है एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक में आया और उसके बाद एल्स ब्लॉक में आने के बाद अगर क्वेरी मेरा रन किया तो यूजर को एक मैसेज आना चाहिए कि डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो जाना कहाँ है वो डालना है, जाना कहाँ है मुझे read.php पे, जब ये हो जाएगा तो, और ये read.php पे जाना है, जाना कहाँ है read.php पे जाना है, ओके।
अब जब रीड डॉट पी एच पी पे आ गए, रीड डॉट पी एच पी पे आ गए तो अब इसे सेव करेंगे। नाउ अब चेक करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे सपोज ये जो राजेश कुमार है, इस राजेश कुमार का सबसे पहले मैं आर कैपिटल करता हूँ, राजेश हो गया, स्पेस के यू एम ए आर कुमार किया, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर उसका गलत था तो 7895 64 हो गया, और 3364 10 हो गया, कुछ भी डाल दिया। स्टेट मैं इसको चेंज कर देता हूँ, स्टेट चेंज करके मैं डाल दिया इनका, स्टेट चेंज करके मैं इनका डाल दिया यूपी। उसके बाद अपडेट, तो डिटेल अपडेट सक्सेसफुली ओके, और रीड डॉट पी एच पी पे आया ओके। ये क्या है राजेश, अपडेट क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, अपडेट तो नहीं हुआ। ये क्वेरी रन कर रहा है विंडो डॉट ओपन में कहीं, इंसर्ट अपडेट कस्टमर टीवीएल, चेक करते हैं एक बार, नहीं हुआ अपडेट। क्यों नहीं हुआ अपडेट, कुछ तो प्रॉब्लम है फिर ओके। अब प्रॉब्लम चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों हमने जो चेक किया है इसमें जो प्रॉब्लम था, ये जो कस्टमर आईडी डाल रहे हैं, ये वेरिएबल पीएचपी का वेरिएबल ना जाके मैंने टेक्स्ट डाल दिया, तो टेक्स्ट टू आईडी होगा नहीं, इस कारण से वो अपडेट चला नहीं ओके। कंट्रोल एस ये किया, उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, रिलोड किया, एडिट किया, इस राजेश का फिर से सेम चीज़ करता हूँ, आर ए जे वाई आर राजेश हो गया, उसके बाद के यू एम ए आर कुमार, उसके बाद ये 789 ये मोबाइल नंबर था, और यहाँ पे मैंने डाल दिया यूपी ओके यूपी। अब अपडेट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली ओके, और बूम गाइस ओके। यहाँ देखिए दोस्तों गलती क्या हुआ, कस्टमर मोबाइल चला जा रहा है, यानी कि मेरी क्वेरी में प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो जो क्वेरी में मैंने सेट किया कस्टमर मोबाइल में, कस्टमर मोबाइल सेट कर दिया है, तो यहाँ पे भी मैंने वेरिएबल नहीं डाला है ओके। कंट्रोल एस अल्ट टैब सेव। देखिए दोस्तों आप जब तक कोडिंग कीजिएगा नहीं, कोडिंग कीजिएगा एरर आएगा, एरर को जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो फिर आप समझिएगा कि मेरी कोडिंग सही है। अगर एरर से आप घबरा कर कहें कि नहीं हो पा रहा है तो ये गलत होगा। इसलिए एरर को, एरर से भागे नहीं, एरर को अगर सॉल्व करने जानिए, जब एरर को सॉल्व करने लगेगा तो प्रोग्रामिंग खुद ब खुद आपको आ जाएगा जिस समय आप एरर सॉल्व करने लगे। तो ये देखिए राजेश कुमार कस्टमर मोबाइल अपडेट हो गया, उसका स्टेट भी अपडेट हो गया। उसी तरह मैं जैसे ये अपना नाम को भी चेक सुधार देता हूँ, देखिए ये मैं डाला ए बी एच वाई अब सॉरी श्रीवास्तवा ओके। और यहाँ पे भी कुछ भी डाल दिया, स्टेट डी कैपिटल कर दिया, एंड देन अपडेट कस्टमर डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। देखिए दोस्तों ये हमारा डिटेल्स अपडेट हो गया। तो दोस्तों क्रड एप्लीकेशन में हमने C4 क्रिएट देख लिया, R4 रीड देख लिया, और उसके बाद आज पिछले वीडियो और आज की वीडियो में मिलाकर हमने अपडेट देख लिया। अब आपका रेस्ट केवल एक रहा क्रड में, तो ये रहा आपका डिलीट। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आज के लिए ये वीडियो लंबी हो चुकी है। और दोस्तों आज के वीडियो में आपको एक प्लस पॉइंट ये मिला कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू यू आर क्वेरी स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बनाया हूँ, तो आप ये चेक कर सकते हैं पीएचपी में जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्वेरी स्ट्रिंग कैसे बनाया है। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिनसे उन्हें भी कुछ वेब डेवलपमेंट सीखने में आसानी हो, हेल्प हो।
धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद।